अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू एंड अनदर व्लॉग। तो गाइस कैसे आप सब, उम्मीद है खैरियत से होंगे। और गाइस कल वाला व्लॉग जो है मेरा आप लोगों ने आई होप देख लिया होगा और जो है आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। तो गाइस अभी जो है यार मैं आप लोगों को कल बता दिया था कि बाल वगैरह मैंने कटवाएं क्योंकि डैंड्रफ की वजह से, तो डैंड्रफ तो मेरा फिर भी ख़त्म नहीं होने वाला, ये तो आप लोगों को पता भी है। तो ये देखो भाई डैंड्रफ बहुत ही ज़्यादा हो गए बालों में, मुझे सर्दियों में वैसे भी हो जाते हैं डैंड्रफ। बाकी यार ये मेरा कज़न पता नहीं कहाँ से आ जाते, जैसे ही मैं व्लॉग स्टार्ट करता हूँ तो आ जाते और मुझे आते ही बोलते कि इस मिट्टू को दिखाओ, मिट्टू मिट्टू मिट्टू। तो गाइस मैंने इसे भी दिखा लिया। बाकी यार मैं जो है आज जल्दी आ चुका हूँ स्कूल से क्योंकि कल जो है, कल से हमारे जो है यार एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो रहे हैं, मिड टर्म एग्ज़ाम्स तो वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो अभी यार उनकी भी तैयारी वगैरह करनी है, कल फिर फर्स्ट एग्ज़ाम है मेरा इंग्लिश का, उसकी सारा दिन आज बस तैयारी करनी है। तो शायद अब जो है यार मैं व्लॉग्स वगैरह भी नहीं लगाऊंगा क्योंकि जो है एग्ज़ाम्स आ चुके हैं, तो शायद इस वजह। तो गाइस जो है अभी एग्ज़ाम्स जो है मेरे स्टार्ट होने वाले, तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले तो यार रेडी शेडी हो जाए तो उसके लिए यहाँ से कपड़े उठा लेते कोई भी, अभी मैं यार यही पहन लेता हूँ। बाकी पहले गाइस अभी जो है यार मैं रेडी शेडी होकर आ चुका हूँ, जैसे कि आप लोग नज़र आ रहे, बस अभी जो है यार नमाज़ पढ़ूंगा और उसके बाद फिर स्टार्ट करनी है यार अपनी जो है तैयारी एग्ज़ाम की। कल फिर एग्ज़ाम है यार, पहला इंग्लिश का, इंग्लिश की पेपर देखते हैं यार क्या होता है। फिर इंग्लिश का पेपर है मेरा कल एग्ज़ाम है पहला, देखते हैं यार फिर क्या होता है। वैसे तो इंग्लिश सब्जेक्ट जो है मुझे आसान ही लगता है, ज़्यादा हार्ड नहीं लगता, लेकिन जो है फिर भी तैयारी अपनी पूरी करनी पड़ेगी। ये यार मॉडल पेपर, पास्ट मॉडल पेपर, फाइव ईयर यार पास पेपर हैं, फाइव ईयर इंग्लिश की कॉपी यार इंग्लिश की बुक, तो इन तीनों से मुझे तैयारी करनी है। तैयारी मुझे इसी से करनी है क्योंकि हमें ये बताया हुआ है कि इसी से आपका पेपर आएगा, थ्री इयर्स की तैयारी कर लो बस फुल, तो इसी में से पेपर हो जाएगा। वैसे यार फर्स्ट पेपर जो है वो इंग्लिश का है, तो ज़्यादा मुझे जो है तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब क्योंकि सारा मुझे आता ही है ऑलमोस्ट, क्योंकि यार इनके जो चैप्टर्स है अगर आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो, सारा कुछ समझ में आता है तो बस लिख सकते हैं हम ऑनवर्डिंग में भी। तो ये तो ज़्यादा तैयारी मुझे नहीं करनी, एमसीक्यूज हैं और कुछ तो आंसर वगैरह रिवाइज कर दूंगा, लेकिन हाँ यार ग्रामर सेक्शन जो है उसकी थोड़ी मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अभी, और जो है ऐसे वगैरह याद करना पड़ेगा या वो भी ऑनवर्डिंग में मैं कर सकता हूँ, लेटर वगैरह को देख लूँगा एक बार, कॉम्प्रिहेंशन को देख लूँगा। तो देखते हैं यार फिर हमारा जो एग्ज़ाम फर्स्ट कैसा जाता है, आप लोगों को ही बताता रहूँगा इंशाल्लाह। तो देखते हैं यार, बस दुआ करिए आपके मेरे एग्ज़ाम्स जो हैं अच्छे तरीके से हो। यार तैयारी करते हैं अभी हम, ये वही हमारा 2023, तो ये मैं रिवाइज कर लेता हूँ। हमारे जो ब्लॉग्स हैं आप जो थोड़े कम भी हैं, तो बस मतलब ये महीना थोड़ा सा कम ही आएंगे, 20 डेट पर मेरा लास्ट पेपर। दी एंड, ख़त्म, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में। Click the show links and enjoy watching the amazing videos. Subscribe to Neo Vlog for more interesting videos and press the bell icon for more updates.